This is A.S. Pandit and I welcome you all to the Catalyst Group GS classes. यहाँ पे हम लोग आज discussion करने वाले हैं Polity की class number 3. Polity की close class already cover कर चुके हैं, जिसमें हमने preamble पूरा समझ लिया था और constitution का basic structure समझ लिया था. आज क्योंकि constitution का basic structure समझ चुके हो, तो अब constitution में क्या-क्या है, वो चीजें हमें याद करनी है. तो constitution के अंदर दो important चीजें हैं. सबसे पहले वो है parts of constitution और दूसरा है schedules in a constitution. तो parts जो हैं वो आपको याद करने हैं, जो बहुत सारे हैं तो उनको याद करने के आज मैं आपको कुछ funny tricks बताऊंगा. जो tricks जब मैं student था तो उस time पे use करता था, हम लोग group discussion जब करते थे बच्चे सारे बैठ के, जब मैं student था तो ये funny tricks हम लोग निकाल लेते थे. उसी वही funny tricks मैं आज आपको बताऊंगा. कुछ tricks हो सकता है आपने कभी पढ़ी हो, लेकिन जो पहले वाली trick है वो हमारी अपनी खुद की trick है, क्योंकि हम लोगों ने उस समय यही funny तरीके से याद किया था. तो आपको हो सकता है बहुत अजीब सी चीज लगे, बट क्योंकि याद करना है तो फनी तरीके से हम याद कर सकते हैं. आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं, सारे पार्ट्स को डिस्कशन करेंगे और सारे स्केड्यूल्स का डिस्कशन करेंगे. बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे क्योंकि गैप हो गया था सर, पिछले कुछ 10-12 दिन से क्लासेस नहीं आई हैं. तो क्लासेस इसीलिए नहीं आई थी क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब थी और उसके बाद स्केड्यूल काफी हेक्टिक हो गया था. जैसे कि आपको बताया गया है कि हमारे सेंटर्स ओपन हुए हैं लखनऊ और जयपुर में, थोड़ा सा बिजी चल रहा था जिसकी वजह से क्लासेस थोड़ा डिले हो गई, बट क्योंकि हम लोगों ने आपको बोला है तो जरूर जैसे ही टाइम मिलता है मैं क्लास जरूर आपके लिए रिकॉर्ड करता हूं और वो क्लास कोशिश करता हूं इतनी हो कि आपको आने वाले टाइम तक काफी सारी चीजें याद करने में उस क्लास से हेल्प मिल जाए. तो आज भी हम वही चीज करने वाले हैं, उठाते हैं एक ट्रिक और पढ़ते हैं पहले पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे याद करना है. तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो पार्ट्स हैं, शुरुआत के 10 पार्ट्स को हमने इकट्ठा जोड़ा है और उसको जोड़ के एक स्टेटमेंट बनाया है. उस स्टेटमेंट के अंदर जो जो पार्ट्स डिफाइन कर रहे हैं वो पार्ट्स का जो पहला वर्ड है वो यहां पे उठा के रख दिया गया है, उसको जोड़ के हम स्टेटमेंट बनाएंगे. जैसे यहां पे यू है, यू का मतलब होता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज. सी का मतलब होता है सिटीजनशिप. एफ का मतलब होता है फंडामेंटल राइट्स. ऐसे करके हम लोगों ने पूरा कनेक्टिंग बनाया है. तो आज जो स्टेटमेंट है वो ये है, आज जो स्टेटमेंट है वो बहुत ही बढ़िया शानदार स्टेटमेंट है, आप रिलेट करोगे उसको. उसको चाहा, फनी है, उसको चाहा फिर देखा फिर उसको सोचा भी, याद हो सकता है. उसको चाहा, पहले चाह लिया कोई बात नहीं, फिर देखा फिर उसको सोचा भी, उसको चाहा फिर देखा फिर उसको सोचा भी, उसने पर मुझे चोर समझा. वैसी हरकत करोगे तो चोरी समझे जाओगे, नोट कर लेना, फिर बाद में मत कहना मिलेगा नहीं किताब विताब में, ये अपना खुद का है, मतलब तुम लोगों ने मिलकर बनाया था उसका है. उसको चाहा फिर देखा फिर उसको सोचा भी, उसने पर मुझे चोर समझा. याद कर लो पूरा 10 पार्ट है, यही खत्म हो गया खेल पहले 10 पार्ट का. आ जाओ, यू से यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सी से सिटीजनशिप जैसे आपको बताया, एफ से फंडामेंटल राइट्स, डी से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, अगेन जो दूसरा एफ आता है फंडामेंटल ड्यूटीज, यू से जो अब आता है वो है यूनियन सेंट्रल वाला, उसके बाद स्टेट, उसके बाद जो ये बी लिखा हुआ है जिसको हम भी मान के चल रहे हैं वो है स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ फर्स्ट स्केड्यूल. जो फर्स्ट स्केड्यूल था उसके पार्ट बी में जो स्टेट्स के बारे में डिस्कशन है वो यहां बताया गया है. इस पर्टिकुलर जो यहां बी पे आ रहा है ये एक्चुअली 7th नंबर पे आ रहा है, इसको हटा दिया गया है तो सीधा 6th के बाद अब आपको 8th पार्ट मिलेगा. जो 8th पार्ट यहां यू लिखा हुआ है, यूनियन हो गया स्टेट हो गया, तो ये जो यू है ये रिप्रेजेंट करेगा यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज. उसके बाद पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटी, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, जितने भी जगह हैं सारी जगह कवर हो चुकी है इसके अंदर, यूनियन स्टेट्स पंचायत म्युनिसिपैलिटीज कोऑपरेटिव सोसाइटी शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज एवरीथिंग. तो ये 10 पार्ट यहां पे आपके कवर होते हैं. जो पहला पार्ट है आपका यू, जिसको हमने यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज बोला हुआ है, उसको चाह फिर देखा फिर उसको सोचा भी, उसने पर मुझे चोर समझा, याद कर सकते हो पूरा स्टेटमेंट. आर्टिकल्स पे आ जाओ, आर्टिकल्स पे आ जाओ, जो पार्ट्स हैं उसके अंदर आर्टिकल्स बाइफरकेट किए गए हैं कि इस पार्ट को इस आर्टिकल से इस आर्टिकल तक देखा जाएगा, इसको इससे इस देखा जाएगा. तो आर्टिकल्स के अंदर घुसने से पहले पार्ट्स को देख लिया, पार्ट्स के अंदर घुसते हैं आर्टिकल में, फिर आर्टिकल के अंदर घुसेंगे जब हम इलैबोरेट करेंगे. जो यू वाला है ये 1 से 4 आर्टिकल के बीच में डिफाइन किया जाता है, 1 से 4 ये याद करना पड़ेगा. उसके बाद जो सेकंड वाला है वो 5 से 11 के बीच में रिप्रेजेंट किया जाता है, 1 से 4 5 से 11 फिर 12 से 35 जो थर्ड वाला है, तो चौथा वाला है वो 36 से 51 36 से 51 उसके बाद चौथे के बाद ये जो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज वाला आता है ये है आपका 4th A पार्ट. याद रखना ये जो बीच में ABC करके डाले गए हैं ना ये बाद में एंट्री किए होते हैं, अगर पहले में ही होंगे तो ऑब्वियसली बात है 1 2 3 4 5 6 में जाएंगे, बट बीच में कोई घुसाना है तो फिर ABCD लिखना पड़ेगा. तो ये 4th A जो है ये आपका 51A रखता है, क्योंकि ये वाला पार्ट 4th वाला 36 to 51 था, ये आपको नोट करके याद करना पड़ेगा. आर्टिकल्स को याद करने का सिंपल सा यही तरीका है, इसके अलावा आर्टिकल से याद नहीं कर सकते, पार्ट्स और शेड्यूल की मैट्रिक आपको बता रहा हूं.
51 ए आपका चौथा ए का पार्ट हो गया, उसके बाद यूनियन पे जवाब आ जाते हो तो आपको 52 से 151 मिलेगा। 51 यहाँ खत्म हुआ था, 51 ए आया था, उसके बाद 52 से सीधा 151 और यहाँ पे 151 याद कर सकते हो। 151 के बाद जो स्टेट वाला पार्ट आता है वो 152 से जो 237 से 237 तक जाता है, 237 तक जाता है। उसके बाद ये जो सेवंथ पार्ट है, पार्ट 1 2 3 4 5 6 चल रहा है, ये जो सेवंथ पार्ट है इसको हटा दिया गया है, निकाल दिया गया है, लेकिन ये आर्टिकल 238 इसके अंदर इंक्लूडेड था। एट्थ पार्ट में आओगे यूनियन टेरिटरीज, 238 के बाद क्या आता है, 239 से 242 तक जाएगा। उसके बाद जो नाइन्थ पार्ट आता है, इंटरेस्टिंग नाइन्थ पार्ट आता है, ये 243 से 243 ओ तक जाता है। इसका मतलब बाद में एंट्री किए होंगे यहाँ पे बहुत सारी चीज, एबीसीडी जी एच आई जे के एल ओ पी ओ तक। इसका मतलब यहाँ पे जो आपका नाइन्थ पार्ट है, पंचायत वाला पार्ट है, बिल्कुल यहाँ पे एंट्री बाद में बहुत सारी चीजों की हुई है, 243 से 243 ओ तक गया है। उसके बाद म्युनिसिपैलिटीज नाइन्थ ए बनाया गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी नाइन्थ बी बनाया गया, मतलब ये दोनों बाद में एंट्री किए होंगे क्योंकि नाइन्थ के बाद तो टहरा जाता ना, फिर बिल्कुल एंट्री किए होंगे। तो ये जो नाइन्थ है और नाइन्थ बी है इनको भी डिफाइन किया गया है। जो म्युनिसिपैलिटीज वाला पार्ट है आपका, ये 243 पी, यहां 243 ओ पे खत्म हुआ था, 243 पी से लेकर 243 जी तक गया है, 243 पी तक ले, पी से लेकर जी तक गया है। उसके बाद जो ये नाइन्थ बी वाला पार्ट आ गया है कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, ये आ गया 243 ZH 243 ZT तक। याद करना पड़ेगा आर्टिकल, तो ट्रिक्स पार्ट्स की मैंने आपको बताई, आर्टिकल्स यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव नो अदर ऑप्शन। अगर एग्जाम निकालना थोड़ा बहुत एफर्ट मारना पड़ता है ना, हर चीज की ट्रिक थोड़ी होती है, कुछ कुछ चीज की ट्रिक हो जाती है, थोड़ा बहुत तो दिमाग है, याद कर सकते हो। 243 ZH से 243 ZT तक जाएगा। लास्ट वाला जो पार्ट है शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज वाला, वो 244 से 244 ए तक जाएगा। यहां हम कवर कर चुके हैं पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 तक का, और बीच में कुछ एबीसीडी भी है, टोटल कवरेज। अब बात करते हैं इसके आगे जाते हैं, जब 11 से आगे बढ़ेंगे देन हाउ टू रिमेंबर दैट पर्टिकुलर। 16 तक जाएंगे, 11 से 16 तक का पार्ट याद करने का देखो कोई सीरीज तो नहीं बनाई थी मैंने ऐसी 10 बार सेम चीज बोल बोल के और दीवार पे दिख के याद कर लिया था। कैसे याद कर लिया था मैंने, ऐसे याद किया था आरएफटी एसटी ईपी ऐसे करके याद कर लिया था, आरएफटी एसटी ईपी तीन पार्ट में कर लिया था इसको याद, आरएफटी एसटी ईपी आरएफटी एसटी ईपी, एक बार बार दीवार पे लिख लोगे याद हो जाएगा, आरएफटी एसटी ईपी आरएफटी एसटी, और ये थर्ड ग्रुप है ईपी। आर का मतलब रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, जो यूनियन और स्टेट्स थे ना अलग अलग यहां पे उनके बीच के रिलेशंस, तो आर से हो गया रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। एफ की बात करते हैं, F का मतलब होता है फाइनेंस, F का मतलब होता है फाइनेंस प्रॉपर्टी, इनसे रिलेटेड चीजें, पैसा प्रॉपर्टी उन सब चीजें रिलेटेड होगी। T का मतलब होता है ट्रेड बिजनेस, इन सब चीज रिलेटेड चीजें जो होंगी वो यहां पे इस पार्ट में आ जाएंगी। जो भी चीजें बनाई जाएंगी, जो भी लॉ जो भी एक्ट होगा वो 13 पार्ट में होगा, बिजनेस ट्रेड इन सब चीजों से रिलेटेड, फाइनेंस और प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें होंगी वो 12वें पार्ट में होगा, यूनियन और स्टेट्स के जो रिलेशन होंगे वो आपके 11वें पार्ट में होंगे। उसके बाद एस टी पे आ जाओ जो 14 और 14 ए वाला पार्ट है। एस का मतलब होता है सर्विसेज, एस का मतलब होता है सर्विसेज, जो भी सर्विसेज वगैरह होगी, जो भी सर्विस प्रोवाइड किए जाते हैं या प्रोवाइड करी जा सकती है, ये जो भी सर्विसेज है वो सारी इस 14 वाले पार्ट में होंगी। टी जो यहां पे लिखा हुआ है, ये टी का मतलब होता है ट्रिब्यूनल्स, अगर बाई चांस कोई केस चलता है या कोई गड़बड़ी होती है तो वो ट्रिब्यूनल जितने भी होंगे वो इसके अंदर 14 ए में डिस्कस किए जाएंगे। उसके बाद लास्ट वाला पार्ट बचता है ई और पी, ई और पी की अगर हम बात करेंगे तो ये जो यहां पे ई लिखा हुआ है जो हमारा 15 वाले पार्ट में आता है, ई का मतलब ई है, ई का मतलब होता है इलेक्शंस, तो ये जो ई है यहां पे इलेक्शंस रिलेटेड जो भी चीजें होंगी, कौन पार्टी है कैसी पार्टी है वो सारी 15 पार्ट के अंदर डिस्कस की जाएगी। और ये लास्ट में जो पी है ये प्रोविजन फॉर सर्टेन स्पेशल क्लासेस रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो यहां पे पी वाले पार्ट में, मतलब अपना 16वें वाले पार्ट के अंदर डिस्कस किए जाएंगे, प्रोविजन रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस। तो इसका मतलब आर एफ टी एस टी ई पी यहां से याद किया जा सकता है, 11 से 16 एक से 10 वहां गए थे, 11 से 16 यहां गए थे जहां पे 14 और 14 ए एस और टी के अंदर डिस्कस किया गया था, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, फाइनेंस वगैरह से रिलेटेड चीजें, ट्रेड से रिलेटेड चीजें, सर्विसेस, ट्रिब्यूनल्स, उसके बाद आ जाओ यहां पे इलेक्शंस और प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस। तो यहां पे ये कवर हो जाता है हमारा 11 से 16 वाला पार्ट, और बचा हुआ पार्ट जो होता है वो बहुत आसान है, 17 से 22 तक का जो पोर्शन है उसको हम बोलते हैं लीमैट्स,
सीधा आप याद कर सकते हो, ये शायद आपको पता भी हो, ये बहुत कॉमन है, जनरली बच्चे ऐसे ही याद करते हैं, कुछ बुक्स में भी गिवन है, तो आप सीधा याद कर सकते हो ये ली मैट्स, सीधा LEMATS याद भी हो सकता है, वर्ड बना के याद किया जा सकता है। ली मैट्स के अंदर 17, 18, 19, 20, 21, 22 नो पार्ट ए, नो पार्ट बी, कोई कंफ्यूजन नहीं, सीधा 17 से 22 तक का पार्ट यहां पर कवर हो जाता है। एल का मतलब होता है लैंग्वेज से रिलेटेड चीजें कि इंडिया में कितनी लैंग्वेज है भाई, 22 इतनी लैंग्वेज है, वो सारी चीजें यहां पे बात की जाएंगी। ई का मतलब होता है इमरजेंसी प्रोविजंस, जो भी इमरजेंसी प्रोविजंस होंगे वो सारे यहां पे इस वाले पार्ट पे, कौन से वाले पार्ट में, 18वें वाले पार्ट के अंदर डिस्कस किए जाएंगे जितने भी इमरजेंसी प्रोविजन, मतलब यहां पे इमरजेंसी के बारे में बातें की जाएंगी। और ये जो एम लिखा है, जो हमारा 19वां पार्ट है, इसमें मिसलेनियस एक्ट, जो भी एक्स्ट्रा इधर उधर के एक्ट बना दिए गए वो सारे उठा के यहां पे डाल दिए जाएंगे, मिसलेनियस वाले पोर्शन। ए का मतलब होता है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने आपको समझाया हुआ है पूरा कॉन्सेप्ट उसका, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 20 के अंदर डिस्कस किया गया है, इसके आर्टिकल्स भी हैं उनको हम देखेंगे। उसके बाद ये जो टी वाला पार्ट है और ये लास्ट में जो एस वाला पार्ट है, ये 21 और 22 के अंदर आता है। 21 और 22 के अंदर टी वाले पार्ट में, टी का मतलब होता है टेम्परेरी प्रोविजंस, कोई भी टेम्परेरी चीजें, जितना भी कोई टेम्परेरी प्रोविजन बनाया गया है वो सारा 21वें पार्ट में डाला जाएगा। और जो लास्ट पार्ट है 22 वाला पार्ट, जिसको यहां पे एस से डिफाइन किया गया है, एस का मतलब होता है यहां शॉर्ट टाइटल, किसी भी चीज को टाइटल्स जो दिए जाते हैं लोगों को, वो टाइटल से रिलेटेड चीजें हैं, चाहे आर्मी हो, चाहे कोई भी टाइटल होता है, जो टाइटल दिए जाते हैं वो सारे टाइटल यहां पे क्लियरली डिफाइंड होंगे, किसको क्या टाइटल देना है। ये टोटल आपके 22 पार्ट हो जाते हैं जो आपको याद रखने हैं, जिसमें हमने पहले पार्ट से स्टार्ट किया था और बीच के अंदर बहुत सारे एक्स्ट्रा पार्ट्स भी गए थे। यहां पे 17 से 22 तक के कोई भी पार्ट के अंदर ABCD नहीं है, बहुत आसान है, लीमैट्स है। उसके बाद RFTST EP है आपका, कहां से 11 से 16 तक का, जिसमें 14 और 14A आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। उसके बाद ये पहला वाला जो पार्ट है, जो पहला वाला ग्रुप बनाया था मैंने 10 वाला, ये एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो बहुत आसानी से याद हो जाते हैं, इसी में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है क्योंकि आर्टिकल्स जनरली यहीं से उठाए जाते हैं, इसलिए मैंने आर्टिकल्स यहां के यहीं बाइफरकेट कर दिए हैं। बाकी तो जब लेक्चर में डालूंगा आर्टिकल पे तो उन चीजों को भी याद करने का आपको चीजें सिखाऊंगा। तो यहां पे आपको याद होगा, उसको चाह फिर देखा फिर उसको सोचा भी उसने पर मुझे चोर समझा, याद कर सकते हो, बहुत आसान है। ये पार्ट्स याद करने का बहुत ही बेसिक और आसान तरीका है, ये स्टेटमेंट RFTST EP या LEMATS, तीनों तरीकों को याद कर सकते हो, जहां पे आपको 1 से 22 तक के पार्ट मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे शेड्यूल्स की, शेड्यूल कैसे याद किए जाते हैं, शेड्यूल ये स्टेटमेंट याद करोगे, इस स्टेटमेंट के अगेन वही चीज, अगर आप वर्ड्स देखते हो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 वर्ड है जो उस पर्टिकुलर स्केड्यूल के बारे में डिफाइन कर रहे हैं। समझ लेते हैं एक बार किस स्केड्यूल में क्या चीज है। अगर हम बात कर, टी लिखा हुआ है, टी की अगर आप बात करोगे तो जो पहला स्केड्यूल है वो टेरिटरी से रिलेटेड चीजें बताता है, टीएस ऑफ ओल्ड पीएम आपको याद रखना है, मैंने आपको समझाया। उसके बाद ई जो है वो सैलरीज या जो भी पैसा या उन सब चीज रिलेटेड चीजों को डिस्कस करता है कि किस पे कितना क्या जाता है। ए जो है वो अफर्मेशन डिफाइन करता है, आर जो है वो राज्यसभा डिफाइन करता है या फिर जो भी हमारी गवर्नेंस होती है उसको डिफाइन करता है। एस की अगर आप बात करोगे तो ये वाला स्केड्यूल है, अभी मैं स्केड्यूल जब डेप्थ में समझाऊंगा तो आपको चीजें काइंडली से रिलेट हो जाएंगे, अभी सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप चीजों को याद कैसे करोगे, कौन से पार्ट्स कौन से स्केड्यूल है। एस जो है ये स्केड्यूल एरियाज को डिफाइन करता है, जैसे अभी मैंने आपको समझाया भी था पार्ट्स में भी स्केड्यूल एरियाज थे। उसके बाद ओ जो है ये अदर स्केड्यूल एरियाज को डिफाइन करता है, अदर स्केड्यूल एरियाज, स्केड्यूल यहां पे आ गया शेड्यूल एरियाज, और ओ जो है वो अदर एरियाज को डिफाइन कर रहा है। F जो है वो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, उस स्केड्यूल के अंदर फेडरल स्ट्रक्चर क्लियरली डिफाइन किया गया है, क्या होता है वो भी समझेंगे, सब पे अलग अलग लेक्चर है हर पार्ट पे। O जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, L जो है वो लैंड रिफॉर्म्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इसके बाद अगर आप आ जाते हो तो D जो है वो डिफिक्शन लॉ वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि अगर कोई पार्टी के अंदर कोई बंदा है उसको हटाया कब जा सकता है उस पार्टी से, वो सब चीजें भी हम समझेंगे। जैसे मैंने आपको बताया ये सारी टॉपिक्स अलग अलग टॉपिक्स है जो यहां लिखे हुए हैं, सब पे एक लेक्चर है कम से कम आधे आधे एक घंटे का। डिफेक्शन से रिलेटेड चीजें यहां पे डिफाइन होती है, पी से पंचायत और फिर एम से म्युनिसिपैलिटीज। तो ये 12 स्केड्यूल टीएस ऑफ ओल्ड पीएम बना के सीरीज याद कर सकते हो 12 के 12 स्केड्यूल्स की। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे जितने भी पार्ट्स हैं वो मैंने 22 पार्ट्स देखे, बीच में कुछ सब पार्ट्स भी थे आपके पास। उसके बाद हमने 12 स्केड्यूल देखे, जब इन सब चीजों को साथ में रख देते हो तो एक बुकलेट तैयार होती है मोटी, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, और इन सब पार्ट्स के अंदर वो सारी चीजें कवर है जो आप आसपास देखते हो या नहीं भी देख पाते हो, बट अगर आगे चल के कुछ होता है तो वो चीज ऑटोमेटिकली कॉन्स्टिट्यूशन से रेफर करके उस चीज पे केस लड़ा जा सकता है। तो आज का लेक्चर में यही समझाने के लिए ये ट्रिक लेके आया था, जिससे आप एक बेसिक सा दिमाग के अंदर आइडिया बना सको कि हाँ ये पार्ट्स है, ये आर्टिकल्स इसके बारे में होगा, ये कॉन्स्टिट्यूल है, इसके अंदर ये चीज होगी, तो वो याद करने के लिए आज
ये ट्रिक आपके सामने है, इसको नोट डाउन कर लेना और बढ़िया से रिवीजन करते रहना, जितना अच्छा रिवाइज कर सकते हो जितनी अच्छी याद कर सकते हो, क्योंकि ये आपका बेसिक बना रहा है। अब इसके बाद अब हम वन बाय वन एक एक पार्ट के अंदर घुसेंगे और एक एक स्केड्यूल के अंदर घुसेंगे और उसको समझेंगे, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन तो यहीं से निपटा दोगे आप कि कौन सी चीज कहां पे आती है, कौन से पार्ट में क्या चीज डिफाइंड है। जो हल्के फुल्के एग्जाम होते हैं ना एसएससी टाइप के, एसएससी हो गया, स्टेट की हो गया, वो तो यहीं से निपटा लोगे। जो मैंने आपको पहले भी बोला है, जो हिस्ट्री के लेक्चर डाले हैं वहीं से आप निपटा दोगे, और भी लेक्चर्स अभी आएंगे मॉडर्न के, और जो पॉलिटी के लेक्चर डाल रहा हूं, जो ये मैक्रोस वाले लेक्चर डाल रहा हूं ना, मैक्रोस को भी ऊपर ऊपर से देखने वाले, इन सबसे आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऐसे नहीं पड़ जाएंगे। उसके बाद जब अंदर घुसेंगे तो यूपीएससी तक आप टारगेट करके अटैक कर सकते हो। तो सारी चीजें कवर होंगी, आराम से कवर होंगी, अच्छे से कवर होंगी, और कायदे से कवर होंगी, और स्मार्टली कवर होंगी, जैसे मैं आपको बोलता रहा हूं। तो कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन राइजिंग, मेहनत करो, भरोसा रखो और आगे बढ़ो। आगे बढ़ना सबको चाहिए, मेहनत रिक्वायर्ड होती है, वो करना इंपॉर्टेंट है, जो हर कोई नहीं करता है। हल्के में नहीं लेना है जिंदगी को, जिंदगी हल्के में लोगे तो आगे चल के आप हल्के हो जाओगे जिंदगी के लिए, और हवा आपको, जिंदगी आपको उड़ा देगी, पता नहीं चलोगे कहां चले गए। तो दिस इज यस पांडे साइनिंग ऑफ दिस सेशन, कीप ऑन लर्निंग। हैव यू एवर ट्राइड थिंकिंग व्हाई यू आर नॉट एबल टू क्वालिफाई डिफरेंट एग्जामिनेशन, दैट इज इंजीनियरिंग सर्विसेज, गेट और स्टेट सर्विसेज? कभी सोचा है क्यों सिलेक्शन नहीं होता है? लेट मी टेल यू, लेट मी गिव यू द बेसिक इंट्रोडक्शन कि होता क्यों नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन यू द थिंग्स। The reason is that because these examination need a perfect analysis. Analysis means you should know everything. So here in Catalyst Group, in my classes, where I'll give you the analysis of the exam, I'll give you the theory lectures, I'll give you the question lectures. What we'll do, we'll complete each and every question in the class, previous year se utha ke expected questions tak sab kuch hum class mein kar lenge. Jitne bhi hamare paas online courses hain, chahe IAS ke liye hain, chahe gate ke liye hain, chahe SSC ke liye hain, aur jo bhi faculties hain, sare faculties gate aur IAS toppers hain. अगर आप कैटलिस्ट ग्रुप ज्वाइन करते हो तो लेट मी टेल यू कि आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे। सीधा पहली चीज आपको मिलेगी कि आपको एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगा, जितना भी फैकल्टीज का लाइव सेशंस मिलेंगे, जहां पे आप फैकल्टी से अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, फोन पे, व्हाट्सएप पे, आमने सामने बैठ के सब फैकल्टीज के लिए आपके पास अपॉइंटमेंट होगा, आप उससे डायरेक्ट डिस्कशन कर सकते हो। साथ में हम आपको नोट्स देंगे जो हमारे स्पेशल माइंड मैप्स की फॉर्म में नोट्स होते हैं, जिसमें आपको याद करना इजी रहेगा। कुछ मोटिवेशनल सेशंस होंगे, प्रोग्रेस एनालिसिस होंगी, नोट्स होंगे, हम अपना स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे, बुक्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी, आपको ए टू जेड ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड किया जाएगा। हर कोर्स में हमारे पास मिनिमम से मिनिमम 1000 लेकर 2000 लेक्चर्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स विच यू आर टेकिंग। अलग अलग हमारे पास कोर्सेज हैं, डिफरेंट कोर्सेज हैं जो आप कंबाइन करके भी ले सकते हो। तो एवरीथिंग वी हैव फॉर यू। तो आई वेलकम यू ऑल टू द कैटलिस्ट ग्रुप, विजिट द लिंक बिलो, कॉल अस फॉर एडमिशंस। आवर न्यू वर्जन 1.1 इज ऑलरेडी लॉन्च्ड एंड एडमिशंस आर ओपन अंडर ऑल आवर कोर्सेज। थैंक यू।